तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको MR600 राउटर जो मैंने एक साल एक महीना पहले लिया था उसका रिव्यू देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसा है ये और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में एंड करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा टावर है वो ये इस साइड है, टावर मतलब काफ़ी दूर टावर है, अभी इसमें दिख ही नहीं पा रहा क्योंकि ओस है। और ये रहा मेरा एंटीना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लगा रखा है, 45 डिग्री पे एक है और एक वर्टिकल। इस साइड एंटीना है, वो मतलब दो एंटीना है इस साइड, एक एयरटेल का है एक जियो का। यहाँ पे BSNL वोडाफोन पकड़ता ही नहीं है। तो जो अब वायर देख रहे हो, यहाँ से वायर गया हुआ है मतलब पोल से लेके और यहाँ से अंदर लेके, और ये गाय का है शेल्टर, यहाँ से अंदर गया हुआ है इस दीवार से। तो दोस्तों, ये रहा वायर जो पीछे से निकला हुआ है और यहाँ मैंने दीवार फोड़ के निकाल के और पुट्टी मार रखा है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सिस्टम और इस पर आपको दिखाते हैं कितना स्पीड आ रहा है। और स्पीड सेटअप करने के लिए हमें थोड़ा कीबोर्ड से करना पड़ेगा 19। ये हमारी URL है जहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल के चेक करेंगे कि इसकी स्पीड कितनी आ रही है। जो अभी ये कॉन्फिडेंशियल फॉर टेस्ट, ये मैंने इसका बैंड बदलने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाला था, अपग्रेड किया था इसको, तब से ये कॉन्फिडेंशियल फॉर टेस्ट आने लगा। इससे मैं होता क्या है कि मैं यहाँ से बैंड सेलेक्ट कर सकता हूँ इजिली। अभी मैं बैंड 3 चला रहा हूँ, यहाँ से मैं बैंड इजिली सेलेक्ट कर सकता हूँ। बैंड 3 भी सही चल रहा है जियो के साथ, और बैंड 40 एयरटेल के साथ सही चलता है। अभी मैं ये जियो चला रहा हूँ ताकि चेक कर सकूँ, आपको बता सकूँ नेट स्पीड यहाँ पे जियो कैसा है और एयरटेल कैसा है। तो मैंने क्विक सेटअप कर रखा है इसका जियो का, और अभी आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाते हैं इसमें स्पीड टेस्ट कितना आ रहा है। तो अभी 4.1 जा रहा है आपका, डाउनलोड स्पीड 4.9। तो ये काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब इससे मैं फिलहाल एक साल से मैं काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम, वीडियो अपलोड करना तो ईजी है, अपलोड वीडियो हो जाती है, डाउनलोड वीडियो भी काफ़ी ईजी हो जाती है, उतना टाइम नहीं लगता। मतलब एक नॉर्मल मोबाइल में आप चलाओ तो बफरिंग करता है, अपलोड होने में टाइम लेता है, और यहाँ पे इजी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे को काफ़ी एडवांटेज मिली गांव में रहते हुए। आप देख सकते हो मेरी लोकेशन पूरा गांव एरिया है। तो आपको दे रहा है ये 10 Mbps और 5 Mbps का। तो अभी हम इसका बैंड सेलेक्ट कर लेते हैं 40, और चेक करते हैं 40 बैंड पे कितना आ रहा है। ये आपका बैंड का ऑप्शन अवेलेबल होगा जब आप इसका एडवांस में जाके और सिस्टम टूल में जो फर्मवेयर अपग्रेड है यहाँ पे आप अपडेट करोगे, तब जाके आपको बैंड का ऑप्शन आता है। तो इंटरनेट एक्सेस बैंड 40 अपना करेंगे, और ये रहा बैंड 40, इसको हम सेव करेंगे। तो दोस्तों, मैंने 40 बैंड सेलेक्ट कर रखा है, अब मैं इसका स्पीड टेस्ट करता हूँ, इसकी स्पीड टेस्ट कितनी आ रही है। ये होगी इसकी स्पीड टेस्ट अगेन। अब देखते हैं जियो के साथ 40 बैंड पे कितनी स्पीड आ रही है। पहले आ रही थी डाउनलोड स्पीड 5 समथिंग और अपलोड आ रही थी 10, अब इसकी कम हो गई है 2.6 आ गई है, मतलब जियो वाला आपका 3 बैंड पे सही चलता है। अब हम चेक करेंगे एयरटेल के साथ। तो दोस्तों, हम यहाँ सब सिम निकालेंगे अपना जियो वाला, ये रही जियो की सिम निकाल के अब हम लगाएंगे एयरटेल का। ये रहा एयरटेल का सिम, यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है इन्होंने, लग गया। उसके बाद रिसेट कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने डेस्क पे ऊपर, ये हो गया हमारा लॉगिन। अब एक क्विक सेटअप कर लेते हैं इसका। क्विक सेटअप में कुछ नहीं करना होता है हमें, मद्रास कोलकाता मुंबई वाला मतलब +530 करना होता है GMT इसका, जो कि इंडिया का है। सिम वेरिफिकेशन करना होगा अपना एयरटेल वायरलेस वगैरह जो भी वो मेरा पासवर्ड वगैरह, और ये इसकी इंटरनेट कनेक्शन चेक करेगा, सक्सेस हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे ही इनका क्लाउड वगैरह नहीं चेक करता मैं अपना, ये भी हो गया सेटअप। अब आते हैं इसके बेसिक पे जो इसका बैंड है वो मैंने अभी 40 कर रखा है, और 40 पे इसका मैं चेक कर लेता हूँ कितनी स्पीड आ रही है इसकी। और बेसिक में गया, स्पीड टेस्ट किया, और यहाँ पे टेस्ट अगेन किया। अभी आपको दिखेगा एयरटेल के साथ 40 बैंड पे कितनी स्पीड आ रही है। अभी आप देख रहे हो आपके सामने 37 Mbps, 44 Mbps, 47 Mbps, तो इतनी स्पीड आपकी आती है डाउनलोड स्पीड। यानी एयरटेल मेरी लोकेशन पे सारे मतलब जो भी हमारे ISP प्रोवाइडर हैं उनसे अच्छा देता है एयरटेल। और अपलोड स्पीड थोड़ी इसकी कम है लेकिन चल जाएगा काम, 6.7 Mbps। तो ये है आपकी 40 बैंड के साथ, और जैसे मैं इसको बैंड 3 करूँगा इसकी स्पीड घट जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ बैंड चेंज करके। तो मैं बेसिक में गया, नेटवर्क में गया, इंटरनेट में गया, यहाँ से मैंने बैंड 3 कर लिया, ये भी बैंड 3 कर लिया। अब यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा सेव बैंड 3 पे।
अब मैं इसका नेटवर्क मैप में आके इसकी स्पीड टेस्ट करता हूँ फिर से। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो काफ़ी सही है। अभी आप देख लो बैंड 3 के साथ ये दे रहा है आपका 16 के अप्रॉक्स 16 Mbps डाउनलोड एयरटेल का। बैंड 3 पे करने पे आपका अपलोड स्पीड ज़्यादा मिल गया और डाउनलोड स्पीड थोड़ा सा कम हो गया। तो अलग अलग है बैंड, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। एक ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक में आपको कुछ नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक ये टीपी लिंक आपको प्रोवाइड करवा देता है। तो दोस्तों मैंने आपको बैंड सेलेक्ट करके दिखा दिया 40 बैंड पे कितना आता है, 3 बैंड पे कितना आता है, एयरटेल जियो के साथ क्या कंडीशन है, अपलोड स्पीड डाउनलोड स्पीड सब बता दिया मैंने आपको। और एक बात मेरा एक्सपीरियंस की, मेरा एक्सपीरियंस सबसे मस्त रहा, मतलब 1 साल 1 महीने तक मैं यूज़ किया है इसको अभी तक फिलहाल, और ये मुझे कभी भी मतलब अनहैप्पी नहीं किया, मस्त सेटिस्फेक्शन वाली फील है। कभी कभी एयरटेल के साथ प्रॉब्लम होती है कि ये आपका नेट देता ही नहीं है, मतलब 10 सेकंड के लिए आपको नेट ही नहीं देगा, ख़त्म कर देगा और फिर आपको देगा। तो ख़राब से ख़राब सिनेरियो के लिए मैंने जियो ले रखा है, जियो मैं चलाता हूँ उस समय। तो ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों लेके तो ठीक काम चल जाता है अपना, मतलब आप गांव में रह के इतना अच्छा स्पीड पाते हो बिलीव ही नहीं होता अपने आप को। और रही बात मेरी वर्क फ्रॉम होम की, वर्क फ्रॉम होम मेरा मस्त चलता है इसी से, और एयरटेल है या जियो है करना क्या है, चल रहा है काम। और मैं अभी फ़िलहाल प्रीपेड सिम यूज़ करता हूँ, मतलब इसमें MB डलवा के 300 का आता है प्लान, 300 का 50 GB देता है, वो प्लान लेके मैं यूज़ करता हूँ। और इसी समय अपना वीडियो भी डाउनलोड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, नेटफ्लिक्स हुआ हमारा, अमेज़न प्राइम हो, जो भी देख रहा हूँ इस पर ही देखता हूँ, मतलब बफर वफर कुछ नहीं करता, मस्त काम करता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे को दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, दिल से।